तो हरपाल, तुम सिरसा से आए और फिर गवर्नमेंट कॉलेज आए, फिर शांति निकेतन गए, तो कहाँ से ये स्कल्पचर की जर्नी शुरू हुई और किस तरह से इस फील्ड में आए कि सिरसा में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो क्या था अंदर जो तुम्हें यहाँ तक लेके आया और फिर आगे ले गया? थोड़ा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। मैं सिरसा से, गाँव से हूँ, शेखुपुरिया से। तो वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी कि हाँ मैं आर्ट के बारे में ज़्यादा जान सकूं। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, वो पेंटिंग करते थे उस टाइम में, वो भी नॉर्मल जैसे ये पोस्टल कलर होते हैं उससे, मतलब वहाँ पर ऑयल कलर का पेंटिंग होता है ये ऐसा कुछ नहीं पता था, सिंपली पोस्टल कलर से करते थे। और उनका सिरसा में कंपटीशन में जाते थे वो बचपन से, तो फर्स्ट अवार्ड ले आते थे, कभी सेकेंड कभी ये। तो उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी है, शुरुआत से ही मैं उनसे इंस्पायर हूँ। और मैंने फिर धीरे धीरे मैंने भी काम करना शुरू किया, लेकिन मैं पेंटिंग वगैरह नहीं बनाता था, मैं ज्योमेट्री में मेरा अच्छा था, उस वजह से मुझे ड्राइंग में अच्छे नंबर मिलते थे। तो उन्होंने वहीं से मेरा इंटरेस्ट हुआ थोड़ा थोड़ा धीरे। फिर मैंने प्लस टू की, उसके बाद मैंने ITI में भी एक साल लगाया, वहाँ पर प्लम्बर किया। और उसके बाद फिर मैं, भाई ने मुझे भेजा कि हाँ आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर लो चंडीगढ़ में, नहीं जींद में। तो वहाँ से मैं आर्ट एंड क्राफ्ट किया 2 साल। वहाँ पर जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि आर्ट ऐसे भी होता है, आर्ट आप ये नहीं है कि आप यहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट किया और टीचर लग जाओ, नॉर्मली आपका काम अच्छा है तो आप इससे भी आगे जाइए। वहाँ क्या काम करे थे हरपाल के, आपके टीचर ने ऐसे बोला कुछ? वहाँ पर पेंटिंग होती थी, अप्लाइड आर्ट है, पेंटिंग है, वो सब सब्जेक्ट मिला के एक ड्राइंग टीचर तैयार करते हैं जैसे, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला, वहाँ पे थे राजेश चौहान सर जो दिल्ली से पास आउट थे, और फिर ये मलकी सर थे जो यहीं से पास आउट हैं चंडीगढ़ से, और वो बाद में शांतिनिकेतन से मास्टर किया उन्होंने भी। तो उनके काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं भी काम करता था, ज़्यादा करने की कोशिश की मैंने। फिर राजेश सर ने मुझे भेजा कि आप जाओ चंडीगढ़ जाओ या दिल्ली जाओ, फिर कुरुक्षेत्र के लिए बोला। मैंने तीनों जगह एग्जाम दिया, मेरा तीनों जगह ही हो गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मैं चंडीगढ़ ही जाऊंगा। ऐसा क्यों? नहीं मुझे अच्छा लगा चंडीगढ़, अच्छा चंडीगढ़ अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा लगा वहां पर, उस साइड में दिल्ली साइड क्राउड ज्यादा था, उस वजह से अच्छा नहीं लगा। अच्छा। फिर यहाँ पर आके मुझे बाद में पता चला कि हाँ स्कल्पचर भी कुछ होता है, पेंटिंग भी अलग है, ग्राफिक्स भी कुछ अलग है। तो मुझे स्कल्पचर बहुत अच्छा लगता था, पर पहले पेंटिंग ही कर रहे थे। हाँ, पहले पेंटिंग ही, सिंपल जैसे आर्ट ड्राइंग टीचर बनाने की जी, जो जी, होती है। अच्छा। तो स्कल्पचर में ऐसा क्या लगा कि इतना इंटरेस्ट एकदम से स्कल्पचर में आया? मेरा बैकग्राउंड है वो फर्नीचर वर्कर से, मतलब पेरेंट्स। हाँ। तो उनसे मतलब ऐसे होता है ना, काटना कुछ, इनग्रेव करना, वैसा कुछ, तो वो मेरे अंदर ही था वैसे ही बचपन से। बचपन से तो यहाँ पे आके देख के मैंने मूर्तियां जब देखी मुझे लगा हाँ यही सब कुछ है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, मैं भी ऐसा कुछ करूंगा। मुझे पता नहीं था ये कैसे बनता है क्या होता है, जब मैं धीरे धीरे देखने लगा हाँ पहले कले में बनता है, फिर इसका मोल्ड डलता है, फिर कास्टिंग होती है, तो अच्छा लगा। पर फिर मुझे टीचर्स और जैसे क्लासेस लगती हैं उनसे मुझे पता चला नहीं ये फॉर्म भी बनाना है, अपने विचारों को भी रखना है। आर्ट वो है जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ये नहीं है कि हाँ बस हूबहू बना दिया और सब कुछ कर दिया, नो वैसा नहीं। ये नया सीखा आपने? हाँ, यहाँ आके अच्छा लगा मुझे। तो
कब स्कल्पचर शुरू से यहाँ शुरू किया, कॉलेज में शुरू किया करना? यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था। ओके, तो किस तरह के स्कल्पचर से शुरू किया आपने अपना करियर? थीम्स क्या थी, क्या सब्जेक्ट क्या थे आपके काम के? उस टाइम सब्जेक्ट नहीं थे, उस टाइम तो बस मैं नॉर्मली शुरुआत जैसे सीखने की कोशिश होती है, देख के है। सीनियर से देख के कुछ कुछ स्केच बना के उसके बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है। पहले शुरुआत से पोर्ट्रेट ही बनाने शुरू किए थे मैंने। अच्छा। कोई फॉर्म वगैरह नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे सेकेंड ईयर में पता चला भी हाँ कुछ थीम लेके भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये लेबर वाला थीम लेके काम किया था, उसमें फिर चाइल्ड लेबर से भी काम किया, फिर मैंने अपने चाचा जी हैं उनके ऊपर भी काम किया है, इसको किसान को लेके पास बूंदों की। अच्छा। वो स्टोन में काम किया था मैंने। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हरियाणा में अकाल था, मतलब बारिश नहीं हुई थी, तो मुझे अपने चाचा जी की याद आती रहती थी कि हाँ उनका हाल क्या होगा, मतलब तो मैंने आसमान की साइड देखते हुए फेस बनाया था उनका कि आस बूंदों की, उनको अभी तक आस है बूंदों की, कब आएगी आस। ऐसा जो चाइल्ड लेबर का काम था आपने कहा, उससे पहले आपने काफी चाइल्ड लेबर पे काम किया था, तो वो कैसे आया? आप बच्चों को देखते थे काम करते हुए कि मन में था ऐसा, कहीं से तो आया होगा ये फीलिंग? मैंने लेबर की हुई है बचपन में। बचपन? हाँ, तो मेरे चाचा जी वो ठेका लेते हैं, जैसे ठेकेदार होते हैं कंस्ट्रक्शन का। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने लेबर की हुई है, तो उससे भी मुझे एक एक्सपीरियंस होता था कि हाँ मैं ये चीज भी मैं कर सकता हूँ, मैं जो बचपन था मेरा मैं उसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। तो फिर थोड़ा सा उसको मैंने ज्यादा घेरा देने की कोशिश की, ज्यादा आसपास में देखने की कोशिश की भी ये चाइल्ड लेबर कैसे करते हैं। चाइल्ड लेबर में ये नहीं है कि सिर्फ हम मिस्त्री के साथ काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर और भी बहुत जगह होती है, दुकानों पे होती है, ठेकेदार वहाँ पे भट्टों पे होती है, तो मैंने उन चीजों को लेकर काम किया। तो ये स्टोन में है सारा काम? किस में? ये फाइबर ग्लास में किया है। फाइबर ग्लास में? एक स्टोन में भी काम किया है। ठीक है। तो कितना मुश्किल है इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट को आर्ट में लाना, आपको क्या मुश्किलें आई? नहीं, मैं मुश्किलें तो नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा तो मेरे अंदर कुछ है नहीं कि हाँ मैं जो सोचूं और बना ना सकूं। अच्छा। ठीक है। मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो बना सकता हूँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये एक मैंने जो चाय वाला बनाया वो मैं चाचा जी के पास एक लड़का काम करता था उससे इंस्पायर होके मैंने वो काम किया, जो चाय वाला है उसको मैंने खुद ट्रे के अंदर दिखाया कि ये खुद बिकने को तैयार है, एक चाय की प्याली की तरह है। उसको वैसे उस इंस्टॉलेशन टाइप किया था। अच्छा, अच्छा। और कोई इस सीरीज में ऐसे काम जो आपके दिल के करीब हो? और जो ऐसे भी मैंने इसी के ऊपर काम करते हुए ये एक तो अखबार बेचता हुआ लड़का बनाया था, वो भी फाइबर में था, और एक ईंट उठाए लड़का हुआ बनाया था, और एक था जो कूड़ा उठाते हैं बोरी पीछे लिए हुए, उसको भी दिखाया था। ये तीनों को एक ज्वाइंट करके काम करके मैंने हिफा में दिया था, वो अभी तक वहीं पे हमें लेके भी नहीं आया, 2-3 साल हो गए। तो ये सब फाइबर क्लास में था? ये सब फाइबर क्लास। तो आपका जो बचपन का मेमोरीज है और वो सब है, वो सब इन कामों में भी आया? हाँ हाँ। ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे पंजाब ललित कला वालों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था स्टोन कार्विंग का, तो उसमें मैंने चाइल्डहुड मेमोरी किया था काम। अच्छा। तो उसमें क्या था कि हम लकड़ी लेके, टायर होता था एक साइकिल का। अच्छा। रबड़ वाला, ऊपर वाला अकेला, उसको छड़ी से घुमा के लेके जाते थे, तो वो मैंने दिखाया कि आज कल वो नहीं है, वो जो मजा है वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। वो मजा कहाँ है, बस रूम के अंदर बैठे हैं, बस वहीं पे ऐसे ऐसे उंगलियों पे रह गया, फिजिकली नहीं रह गया, वो खत्म हो गई वो चीजें। तो उसको मैंने टायर भी आधा दिखाया कि वो चीजें मेरे मेमोरी से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। okay. वो चीजें रही नहीं है अब। ठीक है। क्योंकि टेक्निकली जमाना हो गया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसने हमें टेक्नोलॉजी की तरह चला रही है वो। वो हमें वैसा नहीं दे रही जैसा हम फ्रीनेस बचपन में फील करते थे, वैसा आज नहीं। okay. आज बच्चों के पास भी नहीं है, नहीं, नहीं, वो बच्चे बिल्कुल खो चुके हैं अपनी वो मेमोरी सारे।
वो कंप्यूटर और गेम करते हैं सब वहीं में आगे बिजी हो गए हैं, बच्चे भी बिजी हैं आजकल। तो ये आपका काम वर्कशॉप के दौरान बनाया आपने, और एक बहुत इंटरेस्टिंग काम था आपका, मदर एंड चाइल्ड पे भी था और एक मेडिटेशन पे भी था, शांति करके जो आपने वुड के साथ किया था, तो उसके बारे में बताइए। वो मेरा पहला काम था। अच्छा। मैंने सेकंड ईयर में सबसे पहला काम वही किया था। अच्छा। तो वो था कि मेडिटेशन धीरे धीरे, मतलब एक संत टाइप दिखाया था मैंने, जैसे जंगल में रहते हैं तो मेडिटेशन आज वहीं भी हो सकती है, हम यहाँ पे तो मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना, शहर में नहीं हो सकता ऐसा कुछ मेडिटेशन टाइप। आजकल तो मेडिटेशन पता नहीं किस किस को कहने लगे हैं लोग, हर एक चीज को मेडिटेशन कह देते हैं, कुछ कुछ थोड़ा तो वो ड्राइंग करना या कुछ भी करना, स्ट्रेस हो फिर भी कहेंगे नहीं मेडिटेशन हो रहा है, तो उसके बारे में था ये सब। ठीक है। क्योंकि संत थे वो उस टाइम में कर गए जो मेडिटेशन जिन्होंने करना था, आजकल तो ऐसे ही दिखावा है। तो आपने पास आउट कब किया गवर्नमेंट कॉलेज से? यहाँ से 2011 में। अच्छा। 2011 में पास आउट हुए, फिर मेरे सीनियर वहाँ पे गए हुए थे शांति निकेतन, नीरज सर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं तुम यहीं पे आओ और यहाँ पर तुम्हें अच्छा लगेगा काम करके, तो मैं वहाँ पे गया, काम करने का तरीका भी चेंज हुआ, लोगों से मिलना, आर्ट की नॉलेज लेना, तो वहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ज्यादा अच्छी है। तो कितना फर्क था यहाँ चंडीगढ़ कॉलेज में और शांति निकेतन में? आपने अपने आप में एज एन आर्टिस्ट और एज ए ह्यूमन बीइंग क्या क्या बदलाव देखे? यहाँ पर थोड़ा बहुत बाउंडेशन सा फील होता है, लेकिन आप शांति निकेतन में जाओ, शांति निकेतन में काम करो, आपको बाउंड नहीं लगता किसी भी चीज में। किस तरह से? मतलब कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो, किसी भी तरह से आप फ्रीनेस होके काम कर सकते हो, आप कहीं घूम सकते हो, आपका काम नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलेज जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस नहीं है ज्यादातर, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है ज्यादा, तो आप फ्री होके काम करो, आप एक माहौल को समझो। तो मैंने उस माहौल को समझ के काम करने की कोशिश की, और उनका लेक्चर रहता है, मतलब ऐसा यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं था जो आर्ट हिस्ट्री की नॉलेज दे पाए, तो वहाँ पर आर्ट की शोज होते थे, आर्ट के लेक्चर होते थे, डिबेट्स होते थे। अच्छा। तो उससे ज्यादा इम्प्रूव हुआ वहाँ पे जाके, प्रैक्टिकल काफी हाँ। चीजें होती थी, प्रैक्टिकल पे जोर है ठीक है, पर आपको थियोरेटिकली भी देते थे नॉलेज बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा, अच्छा। आपका माइंड खुलता था वहाँ पे मजा आया काम करके। तो आपने वहाँ क्या क्या काम किए जो यहाँ से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वहाँ की एनवायरमेंट अलग थी, तो वहाँ से क्या शांति निकेतन में आपने क्या स्कल्पचर में क्या काम किए? वहां पर मैंने यहाँ को मैंने भूलने की कोशिश की। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक अलग एनवायरनमेंट में गया, ठीक है, और मैं चाहता था कि मैं अगर वहां गया हूँ तो मैं वहां का यूज करूँ, ठीक है, मैं उस जगह को समझूं और उस जगह अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करूं कि हाँ मैं हूँ समथिंग। तो उस तरीके से वहां पर पहले 6 महीने तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अपने आप में डिप्रेस रहा कि मैं कहाँ से आया और मेरी कोई नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, इतना फर्क मुझे लगा आपको? हाँ ऐसा ही लगा, क्योंकि वहां पर नॉर्मल थिंग तो है ही नहीं, आप कुछ भी उठा के तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ तो थिंक होगा ना आपका उसके पीछे, आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे होगा। तो वैसा वहां पे मुझे लगा और मैंने फिर उसी तरीके से काम करने की कोशिश किया। पहले मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की, वहां पर बहुत टाइम दिया मैंने अपने आप को, 5-6 महीने लगाए, स्केचिंग किया बस और कुछ भी नहीं कर पाया था इतना ज्यादा, एक काम वेल्डिंग में भी किया था वो ऐसे ही नॉर्मली, मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एंटोनी गोरमले का काम देखा, एंटोनी गोरमले लंदन बेस्ड आर्टिस्ट, उनका काम देख के मुझे लगा कि हाँ फिगर को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अच्छा। तो उनका फिगर दिखाने का तरीका ही अलग था। किस तरह से? वो स्पेस दिखाते हैं, मतलब आपको एयर पे काम करते हैं ज्यादा। अच्छा। मतलब उनका है कि अंदर से मतलब होलो टाइप है ऐसा कुछ दिखाना। अच्छा। तो मुझे उनका काम देख के भी बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने धीरे धीरे अपने जो थिंक थी मेरी, मैंने उस थिंक को भी प्रेजेंट करने की कोशिश की, हाँ कि मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं,
तो उसमें मेरा था कि जब हम एक बार शरीर ढीला सा कंपन सी होती है, मैंने उस चीज के ऊपर काम करने की कोशिश की, तो हल्का सा सर्दी सी लगती है, कई बार ऐसा लगता है अंदर से कुछ निकल गया हो, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं वॉश आउट होते एकदम से ऐसा कंपन महसूस होती है, तो मैंने उस चीज को लेकर काम किया। अच्छा। वहां पे अच्छा। मैंने अपने आप को समझा, मतलब वहां पे क्या होता था कि वॉशरूम बहुत दूर था, मतलब मैं पूरा चक्कर लगा लेता था, कई बार प्रेशर ज्यादा होता है तो मैं वॉशरूम की साइड भाग के जाता है, तो वॉश आउट होके एकदम से ऐसा लगता था फील, मतलब कंपन सी महसूस होती, तो उस चीज के ऊपर मैंने काम किया था। वो सबसे पहला मेरा काम था रिलैक्स, तो वहां जाके मुझे रिलैक्स महसूस हुआ, तो उसमें मैंने दिखाया था कि अंदर से एयर निकल जाती है ना, तो ऐसे मैंने स्ट्रिप्स वो लेके काम किया था, फिगर बनाया हुआ है उसी पोज में और उसके अंदर से आवाज आ रही है। ये किसमें किया आपने? एमडीएफ बोर्ड में था। एमडीएफ बोर्ड में। अच्छा। फिर उसके बाद एमडीएफ बोर्ड को मैंने लेके काम करना को कोशिश की, आगे अभी तक चल रहा है थोड़ा थोड़ा काम। तो बोर्ड क्यों चूज किया, ये मीडियम क्यों चूज किया? ये अपोज्ड टू स्टोन, ये काम के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे काम में मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, वो सही मीडियम था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि मुझे एक हवा से दिखानी थी, अंदर से हवा अंदर से जाती हुई दिखे पूरी बॉडी में, तो बॉडी ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रिप थी, उसके अंदर से हवा निकल रही। इंटरेस्टिंग। तो क्या टाइटल था इसका? रिलैक्स। रिलैक्स। तो अभी भी ये सीरीज चल रही है? नहीं, अभी फिर मैंने उसके बाद दूसरा काम किया, वहां पे मुझे थोड़ा सा अपने आप में ऐसा लगा कि कोई किसी को सपोर्ट करता है ज्यादा। अच्छा। तो उसके ऊपर भी मैंने काम किया, तो उसमें था होप एंड होपलेस, एक हैंड बनाया था उसको भी पूरा होलो टाइप दिखे, भी वन बाय वन इन चीज की स्ट्रिप थी, उनको जोड़ जोड़ के काम किया हुआ था, वो आप उसको जिस साइड से देखो कहीं ना कहीं से वो होलो ही दिखे। ओके। और आप दूर से देखो तो आपको पूरा सॉलिड हैंड दिखे, पूरा हाथ दिखता है, और नीचे मैंने अपनी मेमोरी जो होती थी पुराने में, हम कड़ा होता ना हैंड रिंग वो घुमाते थे, तो उसमें क्या होता था, कोई कोई हम कंपटीशन करते हैं कई बार बहुत ज्यादा देर तक घूमता है कड़ा, और किसी का बहुत जल्दी गिर जाता है, तो उसमें वो था कि होप एंड होपलेस, तो उसमें दो दिखाए, एक गिरा हुआ था एक घूम रहा था, तो उसमें क्या होता है टीचर्स भी किसी को एक को सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं, तो उसमें वही था, मैंने वही चीज को दिखाने की कोशिश की कि हमारे बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है कोई, हम काम भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को सपोर्ट हो रही है ज्यादा, तो उसमें वैसा भी था कि जो चमकता है वही बिकता है, मैंने वैसा कुछ भी दिखाया था, एक को स्टील लिया था कि जो चमक है ना आप उसी की तरफ ज्यादा जाते हैं, और दूसरे को मैंने वो रेडिश सा ब्राउन सा मतलब डल, उसको नाइट्रिक एसिड डाल के पूरा डल कर दिया था कि सॉलिड तो है वो भी सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है, पर उसकी तरफ आकर्षण नहीं है, जो स्टील है दिखता है दिखता है। तो ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस जो वहां थे, हाँ, जो आपने अपने आप को समझा, ये सब आपके काम में आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद मैंने एक और भी काम किया था, वुड में पोर्ट्रेट बना के अपने आप, और ऊपर एक आयरन बॉल लिया, आयरन बॉल को पूरा अर्थ की तरह दिखाया, उसके ऊपर इनग्रेव किया उसको नाइट्रिक एसिड से पूरा, उसको अपने फेस के ऊपर दिखाया मैंने, मुझे लगा कि या तो मैं उल्टा हूँ या मेरे लिए ये वर्ड ही उल्टा है, मैंने ऐसा कुछ दिखाया वहां पे, माहौल थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कभी कभी, पर यहाँ आके लगता है नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा। तो वापस कब आए वहां से? वहां से 2013 में। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ किस किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, किस मीडियम में काम कर रहे हैं? अभी मैंने कंस्ट्रक्शन और लेबर्स को लेके काम करना शुरू किया, थोड़ा दो तीन काम किए हैं, अभी एक कलाग्राम में किया, अभी एक वर्कशॉप थी चंडीगढ़ लेकर उसमें काम किए, तो उसमें है कि जैसे मैं मेरे आर्ट वर्क के लिए काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा उसमें एक पार्ट है, तो वैसा ही लेबर्स को क्यों नहीं लगता होगा, जो वो बनाते वो भी है। वो भी रूटीन में आते हैं, 9 से 5 आएंगे, रोजाना आएंगे वहां पर, रोजाना काम लगे रहते हैं, तो उसमें किसी ना किसी को तो ऐसा लगता होगा ना, हाँ मेरा इसमें पार्ट रह गया है। बिल्कुल। तो
उसी के ऊपर मैंने ये काम किया है अभी। किस में किया, बोर्ड में किया है, स्टोन में? नहीं, ये एक तो स्टोन में किया है कलाग्राम में। अच्छा। और दूसरा ये यहाँ पे ललित कला में। ललित कला के। अच्छा, तो ये सीरीज आपकी चल रही है? हाँ, अभी तो इसी पे काम हो रहा है। तो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब अपना ही काम करेंगे कि कुछ? हाँ, मेरा जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाउंड बहुत ज्यादा फील होता है वहाँ पे। सुबह से शाम को जाओ और आप शाम को थके आ रहे और आप कुछ नहीं करोगे, तो वैसा मेरा मन नहीं है। अभी तो वैसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ तोड़ के। तो एक 1.5 साल की मेहनत के बाद दोस्तों के साथ मिलके एक स्टूडियो की जगह ली है। तो स्टूडियो बनाने की कोशिश है। तो फ्रीलांस वहीं पे काम किया करेंगे अच्छे से। मतलब अभी तो जगह की बहुत प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, रेंट देना और उसी में सब कुछ खत्म हो जाता है, मुश्किल है। ठीक है, तो काम बेचना मुश्किल लगता है, स्कल्पचर या कैसे करते हैं? हाँ, बेचना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे चंडीगढ़ में लगता है कि? तो चंडीगढ़ में तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एक अच्छी सी गैलरी नहीं है आपके पास, ना ही क्यूरेटर है। अच्छा, उसकी कमी लगती है? उसकी कमी है यहाँ पे, क्यूरेटर की तो बहुत कमी है। अच्छा। क्योंकि चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि आर्ट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद एक क्यूरेटर होने बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्यूरेटर की बहुत कमी है वैसे देखा जाए तो। यंग एज में नहीं है, ओल्ड एज में तो मिल जाएंगे आपको। यंग एज में अभी नया कोई आर्ट हिस्टोरियन टाइप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भागने की कोशिश करते हैं। अगर कोई यहाँ पे होगा भी ना, तो वो भी सोचेगा नहीं मैं दिल्ली जाऊँ या बॉम्बे जाऊँ, चंडीगढ़ में ठहरने की कोशिश नहीं करते। आपका मन नहीं करता? नहीं, मेरा मन नहीं है ज्यादा जाने का कहीं भी। मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ है, क्यों नहीं है? उतनी अपॉर्चुनिटी लगती है आपको कि उतनी? अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनेगी। अगर हम भी भाग गए तो फिर बाद में और कौन करेगा, क्योंकि बाद में भी तो भागने वाले ही रहेंगे ना फिर जी। सबके सभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं वहां जाके सेटल हो जाऊंगा बस, फिर चंडीगढ़ तो फिर वहीं रह जाएगा। पर आपको बदलाव लगता है जब से आप? हाँ, मुझे अभी चंडीगढ़ ललित कला का काफी लगा, क्योंकि वो लेक्चर वगैरह करवाते हैं तो उनका काफी अच्छा है। अभी चेंज हो रहा है, कंटेम्प्रेरी आर्ट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों में वो ऐसी नहीं है, अभी भी बच्चे नहीं जाने की कोशिश करते ज्यादातर। ठीक है, और आप आगे क्या करना चाहते हैं? कोई कैसा काम, कोई ऐसी ड्रीम जो आपके मन में है? ड्रीम मेरा अभी तक स्टूडियो का ही है, और मैं जब स्टूडियो तैयार होगा उसी के बाद हम फ्री होके सोचेंगे कि क्या काम करना है क्या नहीं, लेकिन मेरा अभी तक स्टूडियो के लिए ही है सब कुछ। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहता है, महीना खत्म होते ही रेंट देना पड़ता है, फिर उसके बाद वही रेंट के लिए दोबारा से जाओ, फिर काम करो, फिर जितना कमाओगे उतना फिर रेंट के लिए जी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एकदम से फ्री हो जाए, पहले स्टूडियो सेटअप हो जाए सब कुछ, तो फ्री होके अच्छे से काम। तो अभी चाइल्ड लेबर पे काम चल रहा है और लेबरर्स पे? नहीं, लेबरर्स का, चाइल्ड लेबर का तो खत्म हो गया, अब लेबरर्स पे। हाँ, और एक्सपेरिमेंटल और न्यू वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वैसे। मतलब धीरे धीरे अपने आप को सोचता हूँ कि हाँ मैं ऐसा कंटेम्प्रेरी टाइप कुछ काम करूँ, या कुछ ऐसा नहीं कि मैं धक्के से करने की कोशिश करूँ, मेरे मन में जैसे आए। ठीक है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ आर्टिस्ट को, और उसके तरीके से मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड हूँ, तो उस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो खुद ही सीखने की कोशिश? हाँ, खुद ही सीखने की कोशिश ज्यादा थी। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम।